हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे यूनिसेफ की। यूनिसेफ जो कि जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। सो यूनिसेफ ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाल लिया। सो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में हर तीसरे में से एक बच्चा लेड से ग्रसित है। सो उसकी जो उस बच्चे में उसकी बॉडी में लेड के कंपाउंड पाए जा रहे हैं। सो जो कि लेड हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। सो ए थर्ड ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन पॉइजन बाई लेड, ए न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग एनालिसिस से। सो कि यूनिसेफ ने प्योर अर्थ के साथ वेट हाँ जो कि यूनिसेफ ने प्योर अर्थ कॉल फॉर अर्जेंट चिल्ड्रन एक्शन उसके साथ ये रिपोर्ट बनाई, पब्लिश करी, और उसने बोला है कि जो लेड है वो बच्चों की बॉडी में पाया जाता है जो कि काफ़ी हार्मफुल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो कि जिसको हम यूनिसेफ बोलते हैं, उसने रिपोर्ट निकाल लिया। सो और जो ये रिव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि उसने पहले ऐसे रिपोर्ट पब्लिश करी है जो कि इसका इम्पैक्ट ऑफ जो उसने इस और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने लेड के इम्पैक्ट को बताया गया है जो कि चिल्ड्रंस के ऊपर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, वन इन एवरी थ्री चिल्ड्रन आर बींग पॉइजन बाई लेड। सो तीन में से एक बच्चे को जो कि वो बच्चा लेड से पॉइजनड या उसकी बॉडी में लेड के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, वर्ल्ड्स 1-3 चिल्ड्रन जो कि ये कि तीन में से एक बच्चा पाया। सो अराउंड द वर्ल्ड ऐसे बच्चों की संख्या जो कि 800 मिलियन है, जो 800 मिलियन जो कि बच्चे हो गए 80 करोड़ बच्चे, मतलब पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ बच्चों की बॉडी में यह लेड पाया जा रहा है जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। सो अमंग द टोटल अफेक्टेड नियरली हाफ ऑफ देम आर फ्रॉम साउथ एशिया। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो 80 करोड़ बच्चों में से 40 करोड़ बच्चे तो सिर्फ साउथ एशिया से ही बिलोंग करते हैं, और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन 40 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 27 करोड़ बच्चे तो सिर्फ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। सो और इंडिया में ऐसे बच्चों का नंबर 27 करोड़ से ज़्यादा है। सो ये इंडिया के लिए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है बिकॉज इंडिया में पॉवर्टी लेवल ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पर बच्चे फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं और वहाँ पर बच्चे हाईली अफेक्टेड होते हैं। सो और इस वजह से काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम भी लाइक मेंटल हेल्थ, बिहेवियर प्रॉब्लम और इंक्रीज ऐसी सारी प्रॉब्लम और इंक्रीज होती हैं। सो अगर बच्चे उन ऐसी चीज़ों पर जाते हैं तो वो लेड के एक्सपोज़ में आ जाते हैं। सो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा हाईली अफेक्टेड हो जाते हैं। सो इन चीज़ों की वजह से उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी इंक्रीज़ होने लगती है, देन और बिहेवियर चेंज होने लगता है, और इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर क्राइम में इंक्रीज़ होने लगता है, एंड वायलेंस और क्राइम दोनों में इंक्रीज़ होने लगता है। सो लेड की वजह से ये सारी चीज़ों में इंक्रीज़ नंबर ऑफ इंक्रीज़ होने लगते हैं। सो हु इज़ मोर प्रोन टू, सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोस्टली चिल्ड्रंस जो कि लोअर इकोनॉमिक कंट्री से बिलोंग करते हैं या ऐसे लोअर स्टेटस में जो काम करते हैं लाइक फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ पर लेड का ज़्यादा यूज़ होता है। सो उस लेड के एक्सपोजर में आके वहाँ के पर जो बच्चे काम करते हैं वो ज़्यादा प्रोन है। सो यूनिसेफ जिसने ये रिपोर्ट निकाली है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सो यूनिसेफ जिसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएसए में है। सो इस यूनिसेफ के अकॉर्डिंग ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि बच्चों जो वर्ल्ड वाइड बच्चों के लिए ह्यूमैनिटेरियन प्लस डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए काम करती है। सो इस यूनिसेफ ये जो यूनिसेफ है वो 190 कंट्रीज़ के अलावा कंट्रीज़ में इसका काम करती है, एंड इन 190 कंट्रीज़ में ये बच्चों के राइट्स प्लस जो अर्ली चाइल्डहुड्स जो एडोलसेंट है वहाँ के जो उनके पोटेंशियल है या उनमें जो चीज़ें हुई उनके राइट्स को पूरे को डिफेंड करती है। सो यूनिसेफ का ये पूरा काम है। सो लेड जो कि क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट है वो मल्टीपल बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है। सो इस लेड की वजह से बच्चों में जो यंग चिल्ड्रेन है उनमें ये चीज़ें लेड काफ़ी हार्मफुल होती है। सो अकॉर्डिंग टू द वे जो यंग चिल्ड्रेन है पर्टिकुलरली जो कि टॉक्सिक जो कि इफेक्ट जो कि लेड के एक्सपोजर में आ जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्म प्रोन होते हैं। सो इसी के रिपोर्ट में जो एक मेटा एनालिसिस हुआ था, लेड लेवल्स इन द ब्लड ऑफ इंडियन चिल्ड्रन जो कि इंडियन चिल्ड्रन में जो लेड लेवल्स होते हैं वो ऐसी चीज़ें शो करते हैं कि दे कुड लूज द 4 IQ लेवल जो IQ जो कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है
वो 4 IQ लेवल तक गिर जाता है। सो ईच ऑफ बिकॉज ऑफ और ये किस वजह से होता है, उनके जो लेड एक्सपोजर में जो उनमें कनेक्ट होने लगते हैं, मतलब उसमें लेड एक्सपोजर में आने लगते हैं। सो ये इंडियन बच्चों के अकॉर्डिंग इसने रिपोर्ट में बोला गया। सो लेड इन द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्रेन। सो लेड जो है कि हमारे ब्रेन तक, लिवर, किडनी, बोन्स तक जाता है, और समटाइम्स ये लेड ये कि टूथ और बीन जो कि दांत और हड्डियों में भी ये जमा रहता है, और ये काफ़ी समय तक ये हमारे बॉडी में जमा रहता है। सो सोर्स क्या है इस लेड का? सो सोर्स, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द लेड, बिकॉज लेड जो कि है जो एनवायरनमेंट कंटेमेंट, जो इस लेड की वजह से एनवायरनमेंट कंटेमेंट होता है। सो और ये लेड मेनली माइनिंग स्मेल्ट, जो माइनिंग वो जहाँ होती हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी जहाँ होती हैं, जहाँ रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और वहाँ पर ये लेड ज़्यादा पाया जाता है। और कुछ कंट्री में जहाँ लेड जो है वो पेंट प्लस गैसोलीन प्लस एविएशन फ्यूल में जहाँ होता है, वहाँ पर ये लेड काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। सो मोर देन 3/4 सो अकॉर्डिंग टू द सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पूरे वर्ल्ड का जो 3/4 लेड है वो 3/4 लेड को वाटर व्हीकल्स की जो बैटरीज हैं उसमें यूज होता है। जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं ना, तो उसमें ये लेड का यूज़ होता है। सो देन सो लेड इज हाइवर ऑल्सो यूज ऑल्सो, और लेड के अलग अलग भी यूज हैं। सो लेड इज हाइवर ऑल्सो यूज इन मैनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक पिगमेंट्स, पेंट, सोल्जर, स्टेंड ग्लास, लेड क्रिस्टल, ग्लासवेयर, एमिनेशन, देन सेरेमिक ग्लास, ज्वेलरी, टॉयज एंड अदर सम कॉस्मेटिक्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। इन सब चीज़ों में भी लेड का यूज़ होता है। और प्लस जब ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा पीने का पानी है, जो जब ये लेड की पाइप से प्लस जो लेड का जो जॉइंट, हम जो दो पाइप को जब जॉइंट करते हैं तो सॉकेट को, इसको हम शोल्डर बोलते हैं, तो वो लेड का बना हुआ होता है। सो जब पीने का पानी जब उस पाइप या सोल जॉइंट से होकर जाता है तो वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है, वो लेड से कंटेमिनेटेड हो जाता है। सो ये भी एक तरह का सोर्स है लेड का। सो मच ऑफ द लेड इन ग्लोबल कॉमर्स इज नाउ ऑब्टेन फ्रॉम रिसाइकल। सो अब लेड को ग्लोबली हम रिसाइकलिंग के थ्रू से प्राप्त कर रहे हैं। सो WHO ने इसके बारे में क्या बोला है? सो WHO जो कि इसने जो WHO की एक लिस्ट, WHO ने जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न की एक केमिकल लिस्ट में है, जिसमें 10 केमिकल होते हैं, उनमें से लेड को भी उसी लिस्ट में रखा है। सो 10 में से एक लेड भी उसी लिस्ट में है। और ये मेंबर्स और जो मेंबर स्टेट हैं जो मेंबर स्टेट हैं जो WHO की, उनको ये भी बोला है कि अपनी कंट्रीज के लोगों की सेफ्टी के लिए इस पर कुछ एक्शन लें। सो सिंस काफ़ी कंट्रीज़ में अभी भी लेड की पेंट, जो अभी काफ़ी कंट्रीज़ में लेड के जो पेंट का यूज़ किया जाता है, पेंट में लेड का अभी भी यूज़ किया जाता है। सो WHO ने UNEP के साथ ग्लोबल अलायंस गठन किया है, जिसमें लेड पेंट को एलिमिनेट करेंगे। सो इस ग्लोबल अलायंस में UNEP के साथ इस ग्लोबल अलायंस में जो लेड पेंट होता है उस पूरे को एलिमिनेट करेंगे। सो ये WHO ने UNEP के साथ मिलकर किया है। देन इसका एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव भी है WHO का। सो इस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेगा जो जहाँ में मैन्युफैक्चरिंग प्लस जो सेल जो लेड की हो उसको वो पूरा उसको प्रोहिबिट करके उसके लेड की पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेल को प्रोहिबिट करके और जो इसके और जिसके उसको पूरा एलिमिनेट करेगा। सो जो भी जहाँ भी लेड का यूज़ होगा उसको पूरी तरीके से उन पर रोक लगा देगा। और इस वजह से और इन सब एक्शन की वजह से और इनकी और इन्हीं सब एक्शन की वजह से जब हम हैजर्डियस केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल पर रोक लगाएंगे या प्रोहिबिट करेंगे, सो इससे हमारे जो SDG गोल हैं जो 2023 तक हमें सारे अचीव करने हैं, सो उन्हीं की वजह से इनकी वजह से ये सब अचीव करेंगे। सो इनमें भी हम SDG गोल में भी हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो 2023 तक में सभी SDG गोल अचीव करने हैं। सो 2020 में जो एक लिया था जो एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट केमिकल एंड ऑल वेस्ट में, सो उसको उसके
सो उसमें भी हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस लेड की मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल को प्रोहिबिट करके। सो जो और हैं, सो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो सो लेड की जो हमारी जो डेली लाइफ में जो काफ़ी अंदर तक हम यूज़ करते हैं या हमारी डेली लाइफ में एंटर हो चुका है, और सो उसकी नीड पर हम सबको थोड़ा रोक लगानी पड़ेगी और इसका हमें अल्टरनेट ढूंढ के पूरी तरीके से इसको ख़त्म भी करना होगा, बिकॉज लेड अभी हमारे यंग जनरेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। सो इसकी जगह या इसका हमें पूरे तरीके से एक अल्टरनेट भी देखना होगा, बिकॉज जो कि हमारे यूथ चिल्ड्रन के लिए भी काफ़ी हार्मफुल या डेंजरस बोल सकते हैं इसको, बिकॉज इसकी वजह से उनके मेंटल हेल्थ प्लस उनके डेवलपमेंट में एक ब्रेकर का काम कर रहा है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।